मुझे भी राम साहब कल फोन आया था, किसी लजना का आया था, एक लजना का। तो वो भी विषय जिक्र कर रही थी कि आज से करीबन 20-22 साल पहले या 25 साल पहले वो हज़रत खलीफ़त मसीह राबे रहमतुल्लाह से जर्मनी में मुलाकात पे गई। तो उन्होंने अपनी बीमारी का हजूर से जिक्र फरमाया कि हजूर मैं मुझे ये मसला है। तो हजूर ने फरमाया कि बार आना सईद है, उससे दवाई ले लो। ये उनके कल ही मुझे किसी का फोन आया था तो मुझे बताया। ऐसे आपको हजारों नहीं लाखों लोग मिल सकते हैं, कोई शक नहीं, लाखों जिनको हजूर ने फरमाया था कि जाओ बाहर राना सही बैठो से दवाई ले लो, बेशक। और बेशुमार दुनिया इस बात की गवाह है कि उनको हजूर ने यही फरमाया था, बेशुमार। मुझे किसी दफ्तर के बंदे ने एक बार एक बात बताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने हजूर को जितना हजूर मुझे कहने लगा कि 2 सजदे पड़ा नफल के अदा किया करो। मैंने कहा क्यों? कहना मैंने आज तक कभी किसी को हजूर इतना नाम लेते नहीं सुने जितना हजूर तुम्हारा नाम लेते हैं। तो ये अल्लाह का फजल है, ये महज खुदा का फजल है, बेशक ये जोरे बाजू से आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुदा तला का फजल। बेशक तो मैं तो एक हकीर सा इंसान हूं, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, नथिंग, ये सब खुदा का फजल है।